एक सेम है इनका सवाल, ये है कि नोट जो होता है ना करेंसी, अगर ये फटे पुराने हो तो इसको कमीशन पे बदला जाता है, यानी फटा कोई 100 का नोट देगा तो वो 90 रुपये में चेंज हो जाएगा, तो क्या ये चेंज करने वाला एक्स्ट्रा पैसे जो 10 रुपये लेता है कि इसका लेना कमीशन लेना जायज़ है या नहीं। तो असल में ये कि अपने जो कागज़ है ये टुकड़ा, इसको 100 का नोट आप कह लें या 500 का हो, असल में है तो ये कागज़ के, इसके ऊपर करेंसी या मोहर लगने की वजह से इसकी जो है ना कीमत होती है। तो अगर कोई शख्स अपना कोई सभी 100 का नोट हो या 50 का नोट हो, उसको जिस रकम में बेचना चाहे वो उसको बेच सकता है, और ख़रीदने वाले और बेचने वाले के अंदर जो अगर दोनों में अंदर इस चीज़ का इत्तेफाक हो जाए कि इस रकम के ऊपर मैं इसको बेचता हूँ, उस रकम पर वो ख़रीद ले, तो उसका ख़रीदना बेचना जायज़ है। आम ज़ुबान में इसको कमीशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास 100 का नोट है और वो थोड़ा फटा हुआ है या उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो अब ये बाज़ार में कोई दुकान वाला इसको नहीं लेगा, तो अब ये 100 रुपये उसके बिल्कुल ज़ाया हो जाएंगे। यानी कोई दुकान वाला उसकी इतनी खस्ता हालत हो जाए या नोट के नंबर साबुत है लेकिन दूसरे हिस्से से वो फटा हुआ है, तो बाज़ार में वो चल नहीं सकता, तो इसमें पूरे 100 रुपये का उसका जो है वो नुकसान है। लेकिन अगर वो इसी कागज़ के फटे टुकड़े को कहीं और जाके बेचता है तो इसको शायद आम जुबान में बट्टा लगाकर नोट ख़रीदना बोलते हैं कि इस पे 10 रुपये का बट्टा या 20 रुपये का बट्टा लगेगा, तो इसके ऊपर जो है ना वो एक्स्ट्रा 20 रुपये यानी कम 20 रुपये लेता है, फिर 80 रुपये लेता है, तो इस तरीके से उसको मामला जो है 80 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। असल में 20 का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बाज़ार में जब वो 100 रुपये में चलना ही नहीं है तो इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि इसका 20 का नुकसान है, क्योंकि बाज़ार में उसकी वैल्यू कोई है ही नहीं, दुकान वाला उसको ख़रीदेगा नहीं, तो असल में इसको 80 रुपये का फ़ायदा। अब ये जो दूसरा बंदा कमीशन वाला लेता है ना, फिर ये बैंक वगैरह जाके चेंज कर देता, तो एक तरीके से देखा जाए इसकी भी मेहनत इसमें होती है कि सारे नोट जमा करता है, जमा करके वापस इसको एक्सचेंज वगैरह आगे देता है या लेकर जाता है, तो इसमें इसकी मेहनत होती है। तो अपनी रकम को यानी ज़्यादा नोट को किसी भी भाव में आदमी बेच सकता है। अगर कोई 100 के नोट को किसी को 1000 रुपये का देना चाहे, सामने वाला उस नोट को लेना चाहे 1000 रुपये में, तो 1000 रुपये में 100 का नोट भी ख़रीदा बेचा जा सकता है। अब ये किस तरह ख़रीदा बेचा जा सकता है, मतलब ये उस पर कोई लकी नंबर है वो एक चीज़ है, या फिर किसी के दस्तखत हुए हैं वो एक चीज़ है, या फिर ये कि उसकी सीरियल वगैरह या सीरीज़ या कोई ऐसे स्पेशल नोट उस सन में छापा गया जिसकी तादाद बहुत कम थी, मतलब 100 या 200 छापे गए या 1000 छापे गए, इस तरीके से भी लोग जो है अपने नोट को ज़्यादा कम में खरीदते बेचते हैं, तो कमीशन जो है वो ली जा सकती है और नोट को भी कम ज़्यादा का भाव में दिया जाए। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा,